अच्छा, आज के वीडियो में हमें कमाल के डॉक्टर पे बात करेंगे कि डी फार्मा करने के क्या क्या फायदे हैं, डी फार्मा मतलब डिप्लोमा इन फार्मेसी करने के क्या फायदे हैं। इस पूरी वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। देखो, डी फार्मा की अगर हम बात करें तो कौन से लोग कर सकते हैं, कैसे लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, सबसे पहले उसके बारे में बात करेंगे। और पहली बार अगर आप कनाडा चैनल पे आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। अब बात करते हैं कि अगर आप डी फार्मा करना चाहते हैं, डी फार्मा में क्या आपके लिए बेनिफिट है, क्या चीजें वहां पे काम कर पाएंगी। तो डी फार्मा करने के फायदे की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं कि डी फार्मा कौन से लोगों को आना चाहिए। देखो, डी फार्मा जो लोग मेडिकल फील्ड में इंटरेस्टेड है, जो मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, मेडिकल फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, डी फार्मा करने वही लोग आए। और डी फार्मा करने के बहुत सारे फायदे भी हैं, लेकिन अगर आप उस फायदे को नहीं समझते हो तो कहीं ना कहीं आपका करियर आगे नहीं बढ़ पाएगा। और देखो, डी फार्मा करके आप प्राइवेट इंडस्ट्री में जॉब भी कर सकते हो, डी फार्मा करके आप अपना खुद का भी काम स्टार्ट कर सकते हो, मतलब मेडिकल स्टोर खोलना हुआ या कुछ और करना हुआ तो डी फार्मा करके आप कर सकते हो, मतलब इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो डी फार्मा करके। तो चीजें हैं आपके लिए जिसका आउटपुट भी आप ले सकते हो, ऐसा नहीं कि उस चीज का आप आउटपुट नहीं ले सकते हो, आपके लिए आउटपुट भी है और वो चीज आपके लिए बेनिफिट भी देगा। तो डी फार्मा करने के बहुत सारे फायदे हैं। अगर हम बात करें तो जो लोग 12th फिजिक्स केमिस्ट्री पीसीबी से पढ़े हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से पढ़े हुए हैं, वो लोग डी फार्मा कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि वही लोग ही कर सकते हैं, जो लोग पीसीएम पढ़े हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से भी पढ़े हैं, वो भी डी फार्मा कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो, पीसीबी और पीसीएम का जो कॉन्सेप्ट है डिप्लोमा इन फार्मेसी में जाने का, मैक्सिमम लोगों के माइंडसेट में होता है कि जो लोग बायोलॉजी पढ़े हैं, क्योंकि बायोलॉजी अब 12th तक सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने ही होंगे, 10th और 12th इक्वल हो गए हैं, तो उसमें ज्यादा नहीं होता, मैथ भी होता है आपका, बायोलॉजी भी होता है। तो जो लोग 12th साइंस बैकग्राउंड से पढ़े होते हैं, बेसिकली ये कह लें आप, पीसीबी तो है ही है, बेसिकली उसका साइंस बैकग्राउंड से पढ़े हैं, जो लोग साइंस बैकग्राउंड से आते हैं, साइंस बैकग्राउंड से पढ़ाई किए हैं, वो लोग जा सकते हैं इसमें, डिप्लोमा इन फार्मेसी कर सकते हैं। डिप्लोमा इन फार्मेसी करने के बाद अगर हम प्राइवेट इंडस्ट्री की बात करें तो जो फार्मेसी की कंपनी है जहां मैन्युफैक्चरिंग होती है, जहां मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग होती है, मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है, फार्मा की बहुत सारी कंपनियां हैं, मेडिकल है, मेडिकल स्टोर्स है, उसके अलावा बात कर ले बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, इन सारी जगहों पे डी फार्मा करके आप जॉब ले सकते हो। कोरोना के बाद मेडिकल फील्ड में अगर आप बहुत छोटा सा भी कोर्स किए हो ना तो भी आपका करियर बहुत दूर तक जा सकता है और आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हो। तो छोटा छोटा करियर करके भी आप बहुत दूर तक जा सकते हो और अपनी लाइफ में बहुत पैसे अर्न कर सकते हो, मतलब आपके पास स्कोप ही स्कोप है, ऐसा नहीं कि आपका स्कोप नहीं, आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, तो यू हैव अ मल्टीपल स्कोप, उसमें से एक डी फार्मा है। अब बहुत सारे लोग बीए भी किए हुए हैं, बीएससी भी किए हुए हैं, तो वो लोग भी आ सकते हैं डी फार्मा करने, ऐसा नहीं कि वो लोग कर नहीं सकते हैं। आप डी फार्मा करना चाहो, उसका एक एंट्रेंस होता है, एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है, बहुत सारे लोग डायरेक्टली भी चले जाते हैं, एडमिशन ले लेते हैं, तो वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उस चीज का यूटिलाइज करते हो। अगर सही तरीके से आप यूटिलाइज करते हो तो ऑब्वियसली चीजें बेस्ट वे में काम करेंगी, और सही तरीके से नहीं यूटिलाइज करते हो तो शायद चीजें आपके लिए बहुत मुश्किल वे में काम करेंगी। लेकिन डी फार्मा अगर आप करते हो और अच्छे से कर ले जाते हो तो आपके लिए चीजें बहुत अच्छे से गाइस काम करेंगी, और अगर आप सही से नहीं करते हैं तो शायद चीजें उतनी ही मुश्किल होंगी जितना मुश्किल किसी और कोर्स में जाने में आपको होती है। और जॉब मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत जल्दी होती है, अच्छी खासी जॉब मिल जाएगी कम टाइम में, आप कह लो कि लाख रुपए 1.5 लाख के अंदर आपका डी फार्मा कंप्लीट हो सकता है, पैसे भी बहुत ज्यादा नहीं है, टाइम ड्यूरेशन जितना कम है उसी तरह से पैसे भी कम लग रहे हैं। तो पहले डी फार्मा जैसे कोई कोर्स नहीं होते थे, डायरेक्टली आपको जॉब मिलती थी उसमें ट्रेनिंग कराया जाता था, लेकिन अभी है कि आप गवर्नमेंट जॉब में भी जा सकते हो, आप प्राइवेट जॉब में भी, जो फार्मासिस्ट होते हैं डी फार्मा करके, डिप्लोमा इन फार्मेसी करके, आप फार्मासिस्ट भी बन सकते हो, ऐसा नहीं कि आप फार्मासिस्ट नहीं बन सकते हो। तो स्कोप है आपके लिए, लेकिन ये आपको डिसाइड करना है कि आप उस स्कोप के लायक हो या नहीं हो, उस स्कोप तक आप पहुंच पाते हो या नहीं पहुंच पाते हो, बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं, तो उन फैक्टर को बेसिकली आपको समझना पड़ेगा, फिर उस पर वर्क करने की जरूरत है। जब आप फैक्टर को समझोगे, उस पर वर्क करोगे, तब जाकर के आपका करियर आगे बढ़ पाएगा। तो बस वीडियो में इतना ही,
जो लोग टेलीग्राम पे हो, करियर चैनल टेलीग्राम पे भी है, और जिनको भी करियर कंसल्टिंग सर्विसेज चाहिए, करियर आगे नहीं बढ़ा, करियर को किस तरह से आगे लेकर के जाए, तो careeradaeducation.com पे जाके आप लोग करियर कंसल्टिंग सर्विसेज ले सकते हैं, डायरेक्टली मेरे से बात कर सकते हैं, अपने करियर को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। वीडियो में इतना ही, थैंक यू।